हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत बड़ी खबर आ रही है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि पीएचडी करना चाहते हैं या फिर पीएचडी के बारे में पैशनेटेड हैं। तो जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू गोरखपुर ने पीएचडी 2021 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और 20 सितंबर लास्ट डे है, यानी कि कुछ ही दिन रह चुके हैं डीडीयू गोरखपुर पीएचडी 2021 के रजिस्ट्रेशन के लिए। आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि वो नोटिफिकेशन कहाँ है जहाँ पर पीएचडी के बारे में कहा गया है और कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर DDU के डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल पर सर्च करें DDU, आपको यहाँ नीचे DDU का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। DDU के वेबसाइट पर आके आपको सीधा यहाँ पे आना है। नीचे वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा एडमिशन 2021 एंड 2022। देखिए, ये एडमिशन का कॉलम आपके यहाँ पे क्लिक कर दिया और जैसे ही आप क्लिक करते हैं सबसे ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि DDU ने एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है। वो किसका? PhD 2021 के बारे में। तो आइए यहाँ से पहले खबर पढ़ लेते हैं कि क्या खबर है। तो जी हाँ, पहले आप डेट देख लीजिए, आप इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए कि 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 20th of September, यानी कि 20 सितंबर को लास्ट डेट है आपको रजिस्ट्रेशन का और 30 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा। एंट्रेंस टेस्ट 30 सितंबर को होगा, ठीक है। पहले देख लीजिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके पास। एग्रीकल्चर, यहाँ ध्यान से देखिए, आपके पास एग्रीकल्चर, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, लॉ, कॉमर्स, एजुकेशन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी, फिजिक्स, इंग्लिश और मेडिवल हिस्ट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं। अगर आप इसके रिलेवेंट स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आप सबको पता है कि पीएचडी करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। तो आपके ग्रेजुएशन में आप एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न पास हों ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन के आप या तो फाइनल सेमेस्टर में हों या फिर आपने कम्प्लीट कर रखा है। मिनिमम 55% की क्राइटेरिया रखी गई है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, मिनिमम 55% होना चाहिए। 5% का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है उन स्टूडेंट के लिए जो कि बिलोंग करते हैं OBC SC ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रखा गया है। तो ये था टोटल डेट वाइज और ये था और नोटिफिकेशन एंड न्यूज़ कि PhD रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपने जहाँ पर एडमिशन 2021 एंड 2022 पे क्लिक किया था उसी पेज पे आप नीचे स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक सेपरेट कॉलम मिलेगा यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म PhD सेशन 2021 एंड 2022। आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाता है। अगर आपकी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और क्या, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। मगर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिया है PhD रजिस्ट्रेशन। मैं कलर चेंज कर दूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आपको PhD रजिस्ट्रेशन दिखाया जाएगा, दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है PhD रजिस्ट्रेशन पे और अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है। और जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं तब आप यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने अप्लाई नहीं किया है तो पहले हम चलते हैं अप्लाई कर लेते हैं, ओके दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम PhD रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपकी पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी क्या है आपकी, क्या आपकी डिसेबिलिटी 40% और मोर, ये आप दिव्यांग मतलब आपकी विजिबिलिटी कितनी है, ठीक है। ये सो भी जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स नेम, सब्जेक्ट, नेशनलिटी, ये जो भी डिटेल्स है आपको, आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और ईमेल आईडी कंफर्म करके कैप्चर कोड करके आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। तो ये आपका सबसे प्राइमरी स्टेप है कि यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओके दोस्तों। और जैसे रजिस्ट्रेशन होता है आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई भी चीज़ें आपको अगर डाउट हो तो आप इस मेल पर आप क्वारी भी कर सकते हैं, अपना मैसेज लिख के डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई क्वारी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आई पर्सनल रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट दोज हु आर इन डायलेमा, दे आर planning to get admission in PhD but they are not sure to do registration or not. I humbly request to all of you guys, if you are still you are confused and still you don't have a confirmations, I request you please do register. Aap registration kar lijiye, baad mein hum dekhenge entrance dena hai, admission lena hai, that is a different thing, we'll think about that later, but at least go for the registration.
क्योंकि अगर आप 20 तक नहीं कर पाते हैं, 20 से पहले नहीं कर पाते हैं, अगर आपने मिस कर दिया देन स्टिल यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोस्त हुआर वॉचिंग एंड दोस्त हुआर रियली वॉन्ट टू डू PhD फ्रॉम DDU गोरखपुर, वंस अगेन आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ 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 डू रजिस्ट्रेशन, डोंट मिस दिस चांस. ओके ओके, फॉर फर्दर क्वारी यू कैन विजिट माई चैनल, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स वट एवर क्वारी यू हैव, डोंट फील हेजिटेट, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू थिंक दैट माई इन्फॉर्मेशन इज गुड एंड it's really helpful for you, do subscribe and like this video, do subscribe and be connected with my channel. Thank you so much for watching, see you in the next video, bye bye, take care, apna khoob khyal rakhiye, jai hind jai bharat.